Hi guys, welcome back to my channel. This is Riya here and if you are seeing this face for the very first time, please do consider subscribing to my channel. तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच और इसमें मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक अनारकली आउटफिट. आप लोग की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेके आओ, तो ये वाली वीडियो आ चुकी है फाइनली. मेक श्योर करें कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. सो गाइज, इस बार फैब्रिक मेरे पास ऑलरेडी घर पे रखा हुआ है ये वाला, और इस फैब्रिक के पीछे की एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये वाला फैब्रिक मैंने एक्चुअली बाय किया था एक साल पहले, मेरे भैया की शादी थी तब मैंने बाय किया था इसको लहंगा बनाने के लिए. मैंने पूरा 5 मीटर फैब्रिक भी बाय कर लिया था और ये दुपट्टा भी बाय कर लिया था. पूरा ऑल सेट था इसको लहंगे के लिए स्टिच करवाने के लिए, बट सडनली मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने लहंगे के लिए दूसरा फैब्रिक परचेज किया. और लहंगे की पिक मैं यहाँ पर साइड में इंसर्ट कर दूंगी. उस टाइम पर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो फिर मैंने वीडियो नहीं क्रिएट करी थी, बट फाइनली मैंने वो वाला फैब्रिक लेके लहंगा स्टिच करवाया था. और ये वाला फैब्रिक तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब से मैं सोच रही हूँ किसी की शादी आएगी तब बनाऊंगी, बट फाइनली अब मैं सोच रही हूँ कि इसका एक ब्यूटीफुल सा अनारकली स्टिच करवा ही लेती हूँ. तो ये है फैब्रिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है ये स्काई ब्लू कलर का. इसी का मैं स्टिच करवाने वाली हूँ. पूरा 5 मीटर है ये और इसका दुपट्टा है ये नेट का कुछ इस तरीके का. और ये पूरा दुपट्टा और फैब्रिक मिला के मेरे को 2500 का पड़ा था. 500 का ये दुपट्टा है एंड 2000 का ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक मेरे को पड़ा था. और मैं आपको वाली शॉप दिखा दूंगी और शॉप में जाके पूछ भी लूंगी अगर ये वाला फैब्रिक अभी भी अवेलेबल होगा तो, बट मुश्किल ये है कि अवेलेबल होगा. तो अब मैं मार्केट जाती हूँ और भी कलेक्शन वगैरह एक्सप्लोर कर लूंगी जो जो फैब्रिक आए होंगे न्यू. और इसके साथ का मेरे को अस्तर और लेस वगैरह बाय करना है, तो अब मैं सीधा मार्केट जाती हूँ और सीधा वहीं पर मिलती हूँ आप लोग को. सो गाइज, ये है वो वाली शॉप जहाँ से मैंने अपना ये स्काई ब्लू वाला फैब्रिक परचेज किया है. रामा मार्केट के स्टार्टिंग में ही है, बट अभी वहाँ पर ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी पहले बाय किया है. तो उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं थोड़ा बहुत कलेक्शन आप लोग को दिखा दूंगी, तो मैं साहिबा कलेक्शन में चली गई थी थोड़ा कलेक्शन वगैरह दिखाने के लिए. और भैया बता रहे थे कि वीडियो देख के काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पर, तो भैया उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं और प्राइस भी भैया का काफ़ी लो है. तो अगर आपको लो प्राइस में चाहिए फैब्रिक वगैरह तो आप इनकी शॉप में जा सकते हो. और उनके अलावा भैया ने हमको ये फैब्रिक दिखाए थे कुछ, ये ब्लू वाला फैब्रिक मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था. नेक्स्ट टाइम शायद मैं इसे परचेज भी कर लूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा था. देन उसके बाद स्काई ब्लू कलर में ये ब्लिंग वाला ऑप्शन मैंने देख लिया था, ये इससे आप लहंगा वगैरह बना सकते हो. और ये सिमिलर फैब्रिक था जैसा मेरा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क हो रखा है बट ये भी काफ़ी प्रिटी लगेगा. आप मेरा वाला लुक अगर रिक्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप ये वाला फैब्रिक परचेज कर सकते हो. काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन रहती है इनकी, प्लस प्राइस भी काफ़ी लो है. ये वाला फैब्रिक भी मेरे को काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी सटल लग रहा था और कलर भी काफ़ी अच्छा था. इन सब के अलावा कुछ कॉटन में भी ऑप्शन आ रखे थे भैया के पास, बांधनी प्रिंट में, जयपुरी प्रिंट में, सब आपको मिल जाएंगी वैरायटी, तो आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ विजिट करके. देन उसके बाद हम लेस बाय करने चले गए थे. लेस में उन्होंने हमको कुछ ऑप्शंस दिखाए, जैसे कि ये कटवर्क वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये ब्रॉड वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट बजट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था, काफ़ी महंगे थे ये. तो पसंद तो हमको आ रहे थे, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था बट बहुत ही ज़्यादा वे टू एक्सपेंसिव पड़ रहा था. 5 मीटर हमको अराउंड 700-800 तक पड़ रहा था, तो हमने यहाँ से बाई नहीं किया. उसके बाद हम ये दूसरी वाली शॉप में चले गए और यहाँ पर लेसेस के प्राइसेस काफ़ी कम रहते हैं और काफ़ी ह्यूज वैरायटी में यहाँ पर लेसेस वगैरह अवेलेबल हैं. और अंदर स्टेशनरी का सामान भी आपको मिल जाएगा, होलसेल रेट है इनका. तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर आकर बाय करना, लेस वगैरह काफ़ी अच्छे प्राइस में मेरे को मिल गया. तो एट लास्ट हमने ये दोनों लेस फाइनल कर लिए, ये पतला वाला नेक के लिए और ये जो नेक्स्ट ब्रॉड वाला अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला नीचे बॉर्डर के लिए. काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मेरे को ये दोनों लेसेस मिल गए. गाइस, आज मेरा सूट भैया ने फाइनली रेडी कर दिया है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ और वहीं पे आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि फर्स्ट फिटिंग मेरा कैसा आया है इसका. तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी और जैसे ही मैंने अपना ये अनारकली देखा था, मुझे देख के ही पता चल गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बना हुआ है क्योंकि वो मेरे साइज़ का बना ही नहीं था. प्लस उसका नेक जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब नेक बना दिया था भैया ने, पता नहीं अपने कौन से कारीगर को इसको बनाने के लिए दे दिया था. मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरा इतना मूड ख़राब हुआ वहाँ पर, फिर मैं उसको वहीं पर छोड़ के घर आ गई थी. तो भैया ने बोला था भैया करके देंगे ठीक. गाइज, फाइनली मेरा ये सूट प्रॉपरली रेडी होके आ चुका है. अब इसका नेक लाइन वगैरह सब कुछ फिटिंग वगैरह भैया ने परफेक्ट करके दे दिया है
और कुछ इस तरीके से अंगरख का स्टाइल में मैंने बनाया है। ऊपर से इसका इस तरीके का चोली वाला डिजाइन है और नीचे से पूरा कैन कैन वाला वर्क हो रखा है और ये इस तरीके से लेयरिंग लग रखी है कपड़ों की। ये कैन कैन लेयरिंग वगैरह भैया ने खुद अपने आप से लगाया था और इसका पूरा स्टिचिंग का प्राइस लिया है भैया ने ₹2000। तो अब मैं फाइनली इसको वेयर करके आप लोग के साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ इसका। सो गाइस, मेरा फाइनल लुक बनने के बाद कुछ इस तरीके से आया है। ओवरऑल लुक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, डिज़ाइन जो मैंने सेलेक्ट करा था वो भी काफ़ी अच्छा लगा, बट स्टिचिंग इतनी प्रॉपर नहीं हुई है इसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। वेस्ट एरिया में भी कुछ अजीब सी स्टिचिंग करी हुई है और प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रही है, कैन कैन भी विजिबल हो रहा है। बट ओवरऑल मेरे को लुक अपना पसंद आया, क्योंकि जो ये डिज़ाइनिंग वगैरह जो फैब्रिक मैंने सेलेक्ट करा है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इससे कुछ इंस्पायर होके बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, और आप भी मेरे को कमेंट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो और बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय।